हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जो एलोपैथी का तो नहीं है, लेकिन इसका जो यूज है अभी पेंडेमिक सिचुएशन के कारण से काफी बूम हो चुका है और ये काफी ज्यादा यूजफुल भी है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वह हमारा गिलोय की घनबट्टी, या सीधा सीधा बोला जाए तो गिलोय। इसका कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गिलोय की बट्टी है। गिलोय को प्रोसेस करने के बाद, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, उनको एक छोटी सी टैबलेट के फॉर्म में बनाई गई है और ये कहलाती है गिलोय की बट्टी। ये आपके डाबर के द्वारा बनाया गया है, इसके लिए आप कोई से भी प्रेफर यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि कोई अच्छी कंपनी का ही आप यूज करें। तो ये जो आपका गिलोय है ये क्या काम करता है, इसकी क्या यूज है, इसका डोज कैसा होता है, वो आपको मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है गिलोय की बट्टी, इसके नीचे लिखा हुआ है आपको इम्यूनो बूस्टर, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला। इसके अंदर आपकी एक्टिव कॉन्स्टिटूएंट गिलोय ही होगी, साथ में इसको कुछ प्रिजर्वेटिव रखे गए होंगे, कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किए गए होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका यूज। ये कोई ऐसा दवाई नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, या कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स को बाईपास करने का काम करेगा, या फिर कोई डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ये एक ऐसा टेबलेट है जो कि आपको डेली सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए एज पर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इसका काम क्या करता है, जब कभी भी हम बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम की, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड कहलाता है। देखिए ना, आप लोगों ने कई सेलिब्रिटीज को, उनके पास अपना खुद का बॉडीगार्ड होता है जो उनको किसी भीड़ से या फिर अनवांटेड लोगों से बचाने का काम करता है। वैसे भी आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड है। ये जब कभी भी कोई ऐसे एजेंट बाहर से आते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होते, तो उनके आते ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके साथ फाइट करते हैं। अगर सामने वाला एंटीजन जो कि हमारे लिए सही नहीं है वो वीक होगा, तो हमारी एंटीबॉडी उसको मार करके भगा देगी और आप बीमार नहीं होगे। पर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वाला एंटीजन है वो आपके बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी से ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो हावी हो जाएगा और हमको बीमारी के सिम्टम्स, लक्षण जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन में आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो थोड़ी सी डाउन हुई है। जाहिर रीजन कोई सा भी क्यों ना हो, इस इम्यूनिटी के कारण से आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन से फाइट प्रॉपरली नहीं कर पाई। सो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसे कोई भी चीजों को यूज करते हुए चलना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को, या बोलना चाहिए बॉडी गार्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रही होती है। तो ये जो गिलोय की बट्टी है, चाहे गिलोय का आप ताजा निकाल लें, उसका काढ़ा पी लें, या तो गिलोय की बट्टी ले लें, वो भी एक्सेस पे नहीं, क्योंकि एक्सेस पे आयुर्वेदिक होने के बावजूद भी आपको काफी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सो ओनली टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड, आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है। तो ये जो गोली है इस पर लिखा हुआ कंडीशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इनको लेकर के आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। कोविड के केस में ऐसी दवाइयां काफी ज्यादा यूज की गई थी, आयुर्वेदिक होने के कारण से कंजप्शन भी इसका हाईएस्ट हो गया था और ये काफी यूजफुल भी था ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बूस्ट होने की बजाय थोड़ी सी डाउन हुई थी, वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते थे। इसका इंडिकेशन भी लिखा हुआ है कि ईच टैबलेट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम। परमिटेड एक्सिपिएंट यूज किया गया है, प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, ये ज्वर के लिए, आपके ज्वर के साथ साथ आपकी बॉडी के इन्फ्लामेशन के लिए, पित्त के लिए, इनके लिए भी ये यूज किया जाता है। और इसका जो डोज दिया गया है वो 1 to 2 टैबलेट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो उनके अकॉर्डिंगली आप लीजिएगा, और अगर आप इसे अपने मन से ले रहे हैं, वैसे मैं सलाह कभी भी नहीं देता कि आपको भी दवाइयां अपने मन से ले, हालांकि ये आयुर्वेदिक है और ओटीसी प्रोडक्ट है, इसलिए इसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे केस में एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी गिवन इन द बॉटल कि आप दिन में 2 टैबलेट या 1 टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम, या तो फिर कोई भी एक टाइम है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा और साधारण सी चीजें जैसे बुखार होती हैं, बुखार के साथ साथ सर्दी होता है, इनसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, एलर्जी के रिस्पांस से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है काफी यूजफुल होता है। इसका एक और यूज होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डायबिटीज है, डायबिटीज मिलाइटस उसको प्रॉब्लम है टाइप 2 का, तो उसके लिए भी गिलोय यूज किया जाता है। गिलोय का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं ताकि वो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। तो आज के वीडियो में केवल बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी, वो था आपका गिलोय की घनबट्टी। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर। इनका यूज तभी करें जब आपको उसकी जरूरत पड़े। Thank you.